हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 007 इंग्लिश क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू से अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, यह किंग लियर की जो ट्रेजेडी है यह 1605 से 1606 के बीच में आई है। इट वाज ए ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर, यह ट्रेजेडी शेक्सपियर द्वारा लिखित है। इट इज़ ड्राइव फ्राम द लेजेंड ऑफ लियर ऑफ ब्रिटेन, ए मैथोलॉजिकल प्री रोमन कैथोलिक किंग। यह जो है यह लियर ऑफ ब्रिटेन लेजेंड से लिया गया है और यह मैथोलॉजिकल प्री रोमन कैथोलिक किंग, इसका जो मैथोलॉजिकल वर्क है, मैथोलॉजिकली यह प्री रोमन कैथोलिक राजा के बारे में दिया गया है। In 1681 द प्ले वॉज रिवाइज विथ ए हैप्पी नॉन ट्रेजिक एंडिंग बाई नोहम टेटे। यह जो है यह प्ले जो है रिवाइज इन 1681 यह इसी प्ले को रिवाइज वर्जन में नोहम टेटे ने ए हैप्पी नॉन ट्रेजिक एंडिंग की है। नोहम टेटे ने एक इसका रिवाइज वर्जन जो है 1681 में ए हैप्पी नॉन ट्रेजिक एंडिंग की है। इसके कैरेक्टर के बारे में और इसकी शॉर्ट स्टोरी के बारे में फ्रेंड्स जान लेते हैं थोड़ा सा। किंग लियर जो कि ब्रिटेन का राजा है और इसकी तीन पुत्रियां हैं, कौन कौन, गॉर्निल, रीगन, कॉर्डिलिया, थ्री डॉटर्स हैं इनकी। ड्यूक ऑफ अल्बनी ये गॉर्निल का हस्बैंड है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल रीगन का हस्बैंड है, अर्ल ऑफ गोल्सेस्टर जनरल ऑफ लियर के कोर्ट का जनरल है कौन, अर्ल ऑफ गोल्सेस्टर, और अर्ल ऑफ केंट जो कि लियर का डिसगाइस कैसियस है, मतलब ये उसके क्या कहते हैं, इनके राज में रहता था और इनकी सेवा में इनका सर्वेंट था, केंट था, जो कि बाद में अपना भेष बदल कर कैसियस अपना नाम रख लिया, और इडगर जो कि गोल्सेस्टर का सन है, और इडमन जो है गोल्सेस्टर का इलिजिलमेट सन है। अब इसके बारे में आइए देखते हैं इसके और प्लाट के बारे में, इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। लियर फूल भी कहा जाता है और किंग ऑफ फ्रांस सूटर एंड लेटर हस्बैंड ऑफ कॉर्डेलिया, या कॉर्डेलिया का हस्बैंड है कौन, फ्रांस का राजा। अब चलिए इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। देखिए, किंग लियर जो है वह ब्रिटेन का किंग लियर ऑफ ब्रिटेन वाइल रिटायरिंग फ्रॉम हिज ड्यूटी वांटेड टू डिवाइड हिज मोनार्ची अराउंड हिज थ्री डॉटर गॉर्निल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। किंग लियर जो है रिटायर हो चुका है अपने, मतलब रिटायर क्या हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, अब वो शासन नहीं करना चाहता, वह चाहता है कि अपनी जो संपत्ति का बंटवारा अपनी तीनों बेटियों में कर दे। इसलिए वह ही डिक्लेयर दैट ही ऑल ऑफर द लार्ज शेयर टू द वन हु लव हिम मोस्ट। इसलिए वह डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है कि वह बेटी जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करेगी वह उसे अपना संपत्ति देगा। अल्टीमेटली लियर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इन टू पार्ट ओनली बिकॉज हिज यंगर डॉटर कॉर्डेलिया रिफ्यूज टू से एनीथिंग, नथिंग माई लॉर्ड, इट मेड लियर infuriated and he didn't give anything to Cordelia.
अल्टीमेटली क्या होता है कि लियर जो होता है अपनी संपत्ति को दो ही भाग में, तीन बेटियों में बांटना रहता है, दो ही भाग में अपनी संपत्ति को का बंटवारा करता है, क्योंकि कार्डेलिया जो रहती है वह चापलूस नहीं रहती है, वह जो उसकी सबसे छोटी बेटी रहती है कार्डेलिया, वह चापलूस नहीं रहती है, वह कहती है उसकी दो बेटियाँ तो बहुत ही चापलूस रहते हैं जो कि चापलूस की करके संपत्ति को पा जाती हैं, जबकि कार्डेलिया जो थी वह संपत्ति को नहीं पा पाती, और वह कहती है कि नथिंग माई लाड, आप मेरे लाड भगवान नहीं हैं, बस मैं आपको एक मतलब पिता की तरह ही प्यार करती हूँ, ऐसा कहती है, जिसकी वजह से राजा बहुत ही उसके ऊपर इन्फ्यूरेटिव रहते यानी गुस्सा होता है और उसे कुछ भी नहीं देता है। अर्ल ऑफ केंट ऑब्जेक्ट टू लियर अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ कार्डेलिया अपॉन दिस किंग लियर इनरेज्ड एंड बैनिश हिम फ्रॉम द कंट्री। अर्ल ऑफ केंट क्या करता है, ऑब्जेक्ट मतलब इस बात के लिए ऑब्जेक्शन करता है लियर से, कहता है कि मतलब आपने यह जो कार्डेलिया के साथ व्यवहार किया, अपनी तीसरी बेटी के साथ जो व्यवहार किया, सबसे छोटी बेटी के साथ जो व्यवहार किया, वो आपने ठीक नहीं किया। इसके इस बात से लियर जो है केंट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे क्या करता है, वैनिश कर देता है, और वैनिश फ्रॉम द कंट्री, देश से उसे बाहर निकाल देता है। फिर अर्लियर ड्यूक ऑफ बारगेंडी वाज ए सूटर टू कार्डेलिया, बट आफ्टर सी वॉज डिसहेरिएटेड बारगेंडी विथड्रॉ हिज सूट, बट किंग ऑफ फ्रांस इज इम्प्रेस एंड मैरिज हर। अर्लियर ड्यूक ऑफ बारगेंडी जो बारगेंडी का जो राजा था, जो कि कार्डेलिया का शूटर यानी प्रेमी था, वह भी जब उसे संपत्ति नहीं मिलती कार्डेलिया को, इसकी वजह से वह उसे छोड़ देता है, लेकिन फ्रांस का राजा उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उससे क्या करता है, मैरिज कर लेता है। मीनवाइल इसी बीच गोल्सेस्टर हैज़ इंट्रोड्यूस हिज इल्जिमेट सन एडमंड टू केंट। इसी बीच गोल्सेस्टर जो होता है अपने इल्जिमेट सन से केंट से मिलवाता है। लियर अनाउंस दैट ही विल लिव विथ गॉर्निल एंड रिगन अल्टरनेटली, ही रिजर्व नाइट फॉर हिम। इसी बीच गोल्सेस्टर के सॉरी लियर अनाउंस करता है या घोषणा करता है कि वह रिगन और गॉर्निल के पास गॉर्निल और रिगन के पास एक के बाद एक रहेगा, और उसके पास 100 जो होते हैं 100 सरदार रहेंगे। गॉर्निल एंड रिगन स्पीक प्राइवेटली, गॉर्निल और रिगन जो है बोलते हैं इस आपस में प्राइवेटली बात करते हैं। रिवल दैट देयर डिक्लेरेशन ऑफ लव वर फेक, दे व्यूड लियर एज ए फूल ओल्ड मैन। गॉर्निल और रिगन आपस में बात करते हैं कि हम लोग तो इनसे प्यार नहीं करते थे, हमारा जो प्यार था क्या था, फेक था, झूठा प्यार था, वो तो उसे क्या करती हैं, समझती है, फुलिस लियर एज ए फुलिश ओल्ड मैन, लियर को एक मूर्ख बूढ़ा आदमी समझती हैं। एडमंड क्या करता है, रिसेंट मीन्स होता है किसी बात का बुरा मानना। एडमंड रिसेंट हिज इलिजिमेट स्टेटस एंड प्लाट ऑफ डिस्पोज हिज इलिजिमेट ओल्डर ब्रदर इडगर। एडमंड जो है इलिजिमेट सन है अपने पिता का, और इस बात का उसे बहुत ही बुरा लगता है, जिसकी वजह से वह क्या करता है, एडमंड जो होता है इस बात का उसे बुरा लगता है, इसलिए यह बात वह डिस्पोज करता है अपने बड़े भाई इडगर को। एडमंड ट्री गोल्सेस्टर विथ ए फर्ज लेटर मेकिंग हिम थिंक दैट इडगर प्लाट टू यूजर्व द स्टेट। एडमंड क्या करता है, एक फर्जी लेटर बनाता है, यह दिखाता है और जिससे यह मतलब इस तरह लेटर लिखता है कि वह सोचे कि इडगर क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है क्या करने का, यूजर्व द स्टेट मतलब उसके जो संपत्ति है, संपत्ति को हड़प करना चाह रहा है, उस तरह का एक अपने पिता को व गोल्सेस्टर को एक के सामने झूठा प्लान बनाता है, एक लेटर झूठा लेटर लिखता है। केंट रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल एंड
in disguise under the name Cassius, and Lear hired him as his servant. Kent returned from exile. Kent क्या होता है? Return होता है अपने, क्या कहते हैं कि Kent जंगल से, सॉरी, Kent return from exile in disguise under the name Cassius. Lear hired him as his servant. जैसे कि Kent क्या होता है, उसे भेस जंगल से आता है और अपना भेस बदल देता है, भेस बदल के अपना नेम चेंज कर देता है और नया अपना नया नेम रखती है रखता है कैसियस कैशस, और लियर का सर्वेंट बन जाता है. लियर एंड कैसियस क्वेरल विथ द ओसवाल गार्निल गार्निल के का स्टवार्ड ओसवाल है, जिससे लियर और कैसियस क्या करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं. लियर डिस्कवर दैट नाउ गार्निल नो लॉन्गर रिस्पेक्ट हिम एंड सी ऑर्डर हिम टू बिहेव प्रॉपरली एंड रिड्यूस हिज रूटीन फ्रॉम 100. लियर क्या करता है, डिस्कवर कर मतलब खोजता है कि अब लियर जो है खोजता है कि अब गार्निल को सॉरी लियर यह पाता है कि अब गार्निल उसे पहले की तरह क्या है सम्मान नहीं देती, और जबकि वह ये ऑर्डर देती है कि वह अपने 100 सरदारों को क्या करे, कम करे. फूल मार्क्स लियर मिसफॉर्च्यून, पूरी तरह उसका क्या होता है, जीवन दुर्भाग्य में हो जाता है. इडमन लर्न फ्रॉम कुरान एंड ए कोर्टियर दैट देयर इज लाइकली टू वार बिटवीन अल्बनी एंड कार्नवाल एंड रीगन कार्नवाल आर अराइव गोल्सेस्टर हाउस दैट इवनिंग. इडमन सोचता है कि वह यह उपयुक्त समय है अल्बनी और कार्नवाल के बीच युद्ध होने का, युद्ध के लिए, इसके लिए जिसके वजह से रीगन और कार्नवाल क्या होते हैं, गोल्सेस्टर के हाउस सामने पहुंचते हैं. टेकिंग एडवांटेज ऑफ सिचुएशन इडमन फेक अटैक बाय इडगर एंड गोल्सेस्टर डिसहेरिटेज इडगर. यह मौके का टेकिंग एडवांटेज मौके का लाभ सिचुएशन का लाभ उठाकर इडमन क्या करता है, फेक अटैक करता है इडगर को. इडगर द्वारा उसके ऊपर फेक अटैक किया जाता है, जिससे गोल्सेस्टर उसे अपनी संपत्ति से अलग कर देता है. व्हेन कैसेस टूक द मैसेज लियर टू रीगन ही क्वेरल विथ ओसवाल अगेंस्ट दस कैसियस इज पुट इन द स्टॉक बाई द रीगन एंड हर हस्बैंड. जब कैसियस जो है टूक मैसेज द लियर का मैसेज लेकर रीगन के पास जाता है, और वह वहाँ पे क्या होता है, ओसवाल से झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से रीगन और उसके हस्बैंड उसे स्टॉक रूम में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, रख देते हैं. वेन लियर अराइव देयर ऑब्जेक्ट हिज मैसेंजर मिस ट्रीटमेंट बट रीगन डिसमिस्ड हर फादर एज डिड बाई गार्निल एंड लियर इज इनरेज्ड बट इम्पोर्टेंट. जब लियर वहाँ पहुँचता है वेन लियर अराइव देयर ऑब्जेक्ट हिज मैसेंजर, जब लियर वहाँ पहुँचता है और जब वो ऑब्जेक्शन करता है कि उसके मैसेंजर के साथ मिसबिहेव किया जाता है, तो रीगन जो होता है उससे भी डिसमिस कर देती है, मतलब उससे अस्वीकार कर देती है, और उसी समय वहाँ पे गार्निल भी पहुँच जाते हैं. लियर इनरेज्ड बट इम्पोर्टेंट, उस समय क्या असहाय हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, गुस्से में हो जाता है. गार्निल आल्सो अराइव्ड देयर, गार्निल भी वहाँ पहुँच जाती है सपोर्ट द रीगन अगेंस्ट किंग, और गार्निल के भी वहाँ पहुँच जाते हैं. रीगन क्या करती है, गार्निल का सपोर्ट करती है राजा के विरुद्ध. लियर रस्ड आउट इन टू ए स्टॉर्म रेंट अगेंस्ट हिज अनग्रेटफुल डॉटर एकम्पनी बाई ए मॉकिंग फूल. लियर आंधी में चला जाता है और अपनी उस अकृतज्ञ बेटी के लिए की कंपनी
के लिए कंपनी उसका साथ चाहता है, लियर अकेला हो जाता है और मूर्ख एक तरह से अकेला हो जाता है। उस आंधी में वह चला जाता है फूल एंड कैसियस नाउ, वहाँ पे कैसियस रहता है। वांडरिंग ऑन द हर्थ आफ्टर स्टॉर्म इडगर मीट लियर, और उस आंधी में वह क्या होता है भटक जाता है, और उसी समय इडगर जो है इडगर लियर से मिलता है एंड गाइज द मैड मैन नेम, उसको उसका नाम क्या मैड मैन नेम टॉम बेल्डम देता है। कौन देता है? इडगर देता है। इडमन बेट्रॉयस सॉरी इडमंड बेट्रॉयल बेट्रॉयस इडमंड जो है क्या करता है, बेट्रॉय गोल्सेस्टर टू कॉर्नवाल रीगन गार्निल, इडमंड जो होता है उसको धोखा देता है। इडमंड जो है गोल्सेस्टर और कॉर्नवाल रीगन गार्निल को वह धोखा देता है। ही रिवल ऑन एविडेंस दैट हिज फादर गोल्सेस्टर नो ऑफ फ्रेंच इन्वेंशन री इंस्टेट किंग लियर। इन फैक्ट फ्रेंच आर्मी हैड लैंडेड ब्रिटेन। वह यह बताता है कि वह यह बात बताता है, यह बात का गवाह देता है गोल्सेस्टर को, बताता है कि फ्रेंच जो आक्रमण कर रहा है और पुनः लियर को ब्रिटेन का क्या करेगा, राजा बनाएगा, पुनः राज्य लियर का राज्य स्थापित करेगा, और उसकी आर्मी क्या कर रही है, आक्रमण कर रही है फ्रांस की, ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन की ओर जा रही है लियर को वहाँ का पुनः राज्य स्थापित करने के लिए। नाउ इडमंड लिव विथ गार्निल इन फार्म हर हस्बैंड अल्बनी अबाउट द फ्रेंच अटैक। नाउ इडमंड लिव विथ गार्निल टू इनफॉर्म, अब इडमंड क्या करता है विथ गार्निल टू इन्फॉर्म हर हस्बैंड, अब इडमन जो होता है गार्निल को छोड़ देता है, इन्फॉर्म हस्बैंड उसके हस्बैंड को इन्फॉर्म करता अल्बनी अबाउट द फ्रेंच अटैक, अल्बनी पर लगभग फ्रांस का क्या होने वाला है, अटैक होने वाला है। गोल्सेस्टर इज अरेस्टेड बाय रीगन एंड गार्निल, गोल्सेस्टर जो होता है वो अरेस्ट कर लिया जाता है रीगन एंड कॉर्नवाल के द्वारा, रीगन और कॉर्नवाल के द्वारा क्या होता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड दे गूज आउट गोल्सेस्टर आई बट वर अटैक बाय ए सर्वेंट, एक सर्वेंट के अटैक द्वारा गोल्सेस्टर की आई क्या करते हैं वे निकाल लेते हैं। बट सॉरी हु कुड नॉट बियर द डिवास्टिंग सीन, इस डेंजरस डिवास्टिंग सीन मतलब इस खतरनाक सीन को नहीं, जो कि वह इस खतरनाक सीन को नहीं सह पाता। रीगन किल द सर्वेंट, रीगन क्या करती है सर्वेंट को मार देती है, वह जो कि मतलब इस खतरनाक सीन को नहीं सह पाती, रीगन क्या होती है सर्वेंट को मार देती है। रीगन टेल गोल्सेस्टर दैट ही इज बेट्रॉयड बाई हिज बॉस्टर्ड सन, रीगन गोल्सेस्टर को बताती है कि उसके बॉस्टर्ड उसके मतलब दुष्ट सन के द्वारा उसे क्या किया गया है, धोखा दिया गया है। इडगर मीट हिज ब्लाइंड फादर ऑन द हॉथ, रास्ते में वह क्या करता है इडगर जो है अपने ब्लाइंड फादर से मिलता है, और गोल्सेस्टर डजंट रिकोगनाइज इडगर एंड बेग टॉम टू टेक हिम टू क्लिफ एट डोवर सो दैट ही मे जम्प टू डेथ। गोल्सेस्टर डजंट रिकोगनाइज, गोल्सेस्टर जो होता है इडगर को नहीं पहचान पाता, और बेग टॉम मतलब क्या भीख मांगता है, एंड टेक चीफ क्लिफ ए डोवर मतलब डोवर की तरफ जाता है सो दैट ताकि वह उसमें क्या करे कूद कर मर सके। गार्निल डिस्कवर इडमंड एंड मोर अट्रैक्ट देन हर ओन हस्बैंड अल्बनी हुम ही रिगार्ड क्राउड को कावर्ड। गार्निल क्या होता है, गार्निल जो होता है अपने सॉरी गार्निल डिस्कवर इडमंड, गार्निल क्या करता है इडमंड को खोजती है, और वो जो कि उसके हस्बैंड अल्बनी से बहुत ही ज़्यादा
अट्रैक्टिव है, मतलब उसको लगता है उसका जो हस्बैंड है अल्बनी वो बहुत ही कायर है। नाउ अल्बनी हैज डेवलप्ड ए कॉन्शियस एंड इज डिसगस्टेड। अब अल्बनी क्या करता है, उसके अंदर एक चेतना आती है, वह क्या होता है, एक इस बात को क्या करता है, गुप्त रखता है। बाय द सिस्टर ट्रीटमेंट किंग लियर, उसकी बहनों ने जो व्यवहार राजा के साथ किया, और ग्लौस्टर डिनाउंस हिज वाइफ, अपनी वाइफ से उसकी निंदा करता है। कॉर्नवाल इज डेड, कॉर्नवाल इज डेड एंड रीगन इज विडो। कॉर्नवाल क्या होता है, मर जाता है, रीगन क्या हो जाती है, विडो हो जाती है। केन टू केन टू खर फ्रेंच आर्मी एंड कमांडेड बाय कॉर्डेलिया। केंट जो है अब फ्रेंच आर्मी को लेकर जाता है, और जो कि कमांडेड किसके, कॉर्डेलिया उस आर्मी का क्या करती है, कमांडर बनती है। बट लियर इज हाफ मैड एंड इम्प्रेस बाय हिज अर्ली फॉलीज, मतलब कि नादानी, और जो लियर जो है पूरी तरह मूर्ख, क्या कह सकते हैं, पागल हो गया है। हाँ, इम्प्रेस पूरी तरह उसके अंदर क्या है, मतलब पागलपन आ गया है। रीगन क्या करती है, भड़काती है एट रीगन इंस्टिगेशन अल्बनी ज्वाइन हिज फोर्स विथ हर अगेंस्ट फादर। और रीगन क्या करती है, भड़काती है अल्बनी को कि अल्बनी ज्वाइन हिज फोर्स, उसके फोर्स में क्या करे, अल्बनी ज्वाइन हो जाए अगेंस्ट फ्रेंच, मतलब फ्रेंच के खिलाफ, मतलब फ्रांस के खिलाफ जो है उसके फोर्स में ज्वाइन हो जाए, वह रीगन जो है भड़काती है। रीगन एंड गॉर्निल फाइट थ्रू द लेटर अपान अपा अब सॉरी लेटर अबाउट हु इज करेक्ट मैच फार एडमंड। रीगन और गार्निल जो होता है दोनों एक लेटर के लड़ाई करती है, जो कि करेक्ट मैच एडमंड से पूरी तरह से मैच करता है। इटगर प्रिटेंड ग्लौस्टर बाय चेंजिंग हिज वायस एंड ही हैज मर्सिसली सर्वाइव ए ग्रेट फॉल। बाय नाउ लियर इज कम्प्लीटली मैड। इटगर जो होता है क्या करता है, बहाना करता है ग्लौस्टर से, कि बहाना बनाता है अपनी अपनी वायस चेंज करके, मर्सिसली दयापूर्ण बहाना बनाता है कि वह अपना सर्वाइव किस तरह कर रहा है। बट बाय नाउ द कम्प्लीटली, वो यह बताता है कि लियर जो है अब पूरी तरह से क्या हो गया, पागल हो चुका है। ऑन रीगन ऑर्डर ओसवाल्ट ट्राई टू किल ग्लौस्टर, रीगन के ऑर्डर से, ऑन रीगन ऑर्डर ओसवाल्ट ट्राई टू किल, रीगन के ऑर्डर से ओसवाल्ट को ग्लौस्टर को मारने की कोशिश करता है, बल्कि बट किल बाई इडगर, लेकिन इडगर के द्वारा ओसवाल्ट ही मारा जाता है। ठीक है, इडगर फाइंड इन एडमंड पॉकेट ए लेटर बाई गॉर्निल इन विच सी इनक्रेज एडमंड टू किल हर हस्बैंड अल्बनी एंड टेक हर एज हिज वाइफ। लेटर बाई गॉर्निल इन विच ही इनक्रेज एडमंड, जो कि एडमंड को क्या करता है, इनक्रेज करता है किल हर हस्बैंड, जो कि उसके हस्बैंड को, जिसमें यह पता चलता है कि वह इनक्रेज करती है एडमंड को कि उसके हस्बैंड को मार दे। अल्बनी को मार दे और टेक हर, और उसकी वाइफ बन जाए, किसकी, इडमन की वाइफ बन जाए अल्बनी को मारकर, उस लेटर में ऐसा लिखा रहता है। केंड एंड कॉर्डेलिया टेक चार्ज ऑफ लियर हुज मैडनेस स्लोली पॉसेस। केंट और कॉर्डेलिया जो है लियर को पूरी तरह मतलब देखभाल करते हैं, उसकी धीरे धीरे उसकी जो है मैडनेस कम होती है, उसका जो मतलब प्रोसेस का उसका मतलब पागलपन आता जाता रहता है। रीगन गॉर्निल अल्बनी एंड इडमन मीट देयर फोर्स एंड फाइट अगेंस्ट फ्रेंच। रीगन गॉर्निल अल्बनी इडमन तीनों मिलकर क्या होते हैं, फ्रांस के विरुद्ध अपने फोर्स
फोर्स से उनके फोर्स से लड़ते हैं। अल्बनी इंसिस्ट दैट दे आल फाइट फ्रांस, वे सभी इंसिस्ट करते हैं फ्रांस से लड़ते हैं, बट विल नॉट हार्म लियर आर कॉर्डेलिया, लेकिन लियर और आर कॉर्डेलिया को कोई हानि नहीं पहुंचती है। टू सिस्टर लस्ट फॉर एडमंड हु हैज़ मेड प्रॉमिस्ड बोथ, दोनों बहनें एडमंड को चाहती हैं, कौन, गार्डलिन और रीगल, दोनों एडमंड से बहुत ज़्यादा, मतलब शादीशुदा होने के बाद भी उसे चाहती हैं, एंड हु मेड, और जबकि एडमंड दोनों से प्रॉमिस किया रहता है। एडमंड प्लॉट डेथ ऑफ एल्बनी लियर एंड कॉर्डेलिया, एडमंड का प्लान रहता है डेथ ऑफ एल्बनी और लियर एंड कॉर्डेलिया, इतने लोगों को मारने का। इडगर गिव गार्निल लेटर एल्बनी, इडगर जो होता है गार्निल को एल्बनी का लेटर, गार्निल का लेटर एल्बनी को देता है। बैटल स्टार्ट ब्रिटिश डिफीट एंड फ्रेंच लियर एंड कॉर्डेलिया कैप्चर, बैटल स्टार्ट होता है जिसमें ब्रिटिश हार जाते हैं, बैटल स्टार्ट है जिसमें ब्रिटिश जो होते हैं फ्रेंच को हरा देते हैं, लियर और कॉर्डेलिया क्या होते हैं, कैप्चर्ड हो जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। एडमंड सेंड लियर एंड कॉर्डेलिया एक्सक्यूशन, क्या करते हैं, लियर और कॉर्डेलिया को एक एक्सक्यूशन में, मतलब एक कारागृह में, या क्या कहते हैं, बंदी बना लेते हैं उन दोनों को। और रीगन नाउ डिक्लेयर दैट सी विल मैरी एडमंड, बट एल्बनी प्रोक्लेम एडमंड ए ट्रैटर। रीगन अब क्या करती है, डिक्लेयर करती है कि वह सी विल मैरी एडमंड, अब वह एडमंड से मैरी करेगी, और बट एल्बनी प्रोक्लेम एडमंड ए ट्रैटर, लेकिन एल्बनी यह बात बताता है कि एडमंड क्या है, एक गद्दार है। रीगन इज पॉइजन्ड बाई गार्निल इज डेड, रीगन को पॉइजन दिया जाता है गार्निल के द्वारा, जिससे रीगन मर जाती है। रीगन भी क्योंकि उससे प्यार करती है एडमंड से, इसलिए और गार्निल भी, इसलिए गार्निल जो है रीगन को पॉइजन दे देती है और वह मर जाती, कौन मरती है, रीगन मरती है, और कौन जहर देता है, गार्निल देती है। एडगर डिसगाइज एंड अपीयर द चैलेंज एडमंड फॉर ड्यूल, एडमंड क्या करता है, डिसगाइज अपना भेष बदल के आता है और चैलेंज करता है द्वंद युद्ध के लिए। नोबडी रिकॉग्नाइज हिम, कोई भी उसे एक दूसरे को पहचान नहीं पाता। एडमंड इज फैटली वॉन्डेड बाई एडगर, एडमंड जो होता है बहुत ही ज़्यादा एडगर के द्वारा क्या होता है, घायल हो जाता है। एल्बनी सो डेथ लेटर ऑफ गार्निल, एल्बनी गार्निल के डेथ लेटर को दिखाता है। सी फ्ली इन सेम, और वह क्या होता है, शर्म से भाग जाती है, कौन, एल्बनी सो द डेथ लेटर, मृत्यु लेटर को दिखाता है एल्बनी, और जिससे क्या होता है, वह शर्म से भाग जाती है और क्या करती है, एनरेज्ड और गुस्से में आ जाती है। एडगर रिवील्स हिमसेल्फ एंड रिपोर्ट दैट गोलसेस्टर इज डेथ, एडगर जो होता है स्वयं ही रिपोर्ट करता है, स्वयं इस बात को रिवील करता है, बताता है कि गोलसेस्टर मर गया। फ्रॉम द शॉक एंड जॉय ऑफ लर्निंग दैट एडगर इज स्टिल अलाइव आफ्टर एडगर रिवील हिमसेल्फ द ट्रथ, वह इस बात का यह बताता है कि वह खुश होकर मरा, यह बात, इसको इस बात की खुशी थी कि क्या है कि एडगर जिंदा है, यानी उसका पुत्र जो एडगर है वह जिंदा है, और वह इस बात को भी रिवील कर बताया कि वह स्वयं क्या था, सच्चा था, सही था, कौन, एडगर। गार्निल कमिट सोसाइटी, गार्निल क्या करती है, सुसाइड कर लेती, आत्महत्या कर लेती है। डेइंग एडमंड डिसाइड टू सेव लियर एंड कॉर्डेलिया, बट ही वॉज टू लेट,
मतलब मरता हुआ एडमंड क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि क्या करे, लियर को, लियर और कार्डेलिया को बचाए, डिसाइड करता है। एंड ही वॉज टू लेट, वह बहुत ही ज़्यादा लेट था। वेन अल्बनी सेंड मैन टू काउंटर मैन इडमन ऑर्डर, जब अल्बनी जो है अपना अल्बनी सेंड मैन टू काउंटर मैन इडमन ऑर्डर, ही सा किंग लियर बेटरिंग कॉर्डेलिया कॉर्पस। जब अल्बनी क्या मतलब भेजता है अपना काउंटर मैन, जब वहाँ पे मतलब उसको सॉरी काउंटरमेंट मतलब रद्द करना, एडमन के आर्डर को रद्द करने के लिए जब अल्बनी भेजता है, वह देखता है किंग लियर बियरिंग कॉर्डेलिया कार्पस। वह देखता है कि किंग लियर जो है कॉर्डेलिया के कार्पस यानी लाश पर क्या कर रहा है मतलब इन हिज आर्म, अपनी भुजाओं को मतलब रख कर क्या कर रहा है, हु सर्वाइव किलिंग बाई स्कूटर, जो कि स्कूटर यानी हथियारों के द्वारा क्या हो गया, यह मतलब मार दिया गया है, जो कि उस मार जिसे जो कि हथियारों के द्वारा मार दिया गया, किंग लियर वहाँ पे उसकी लाश पर रहता है। केंट अपीयर एंड किंग लियर रिकोगनाइज हिम, केंट वहाँ पे आता है और किंग लियर उसे पहचान लेता है। अल्बनी अर्ज लियर रिज्यूम थोर्न, अल्बनी कहता है, उसे रिक्वेस्ट करता है लियर से कि तुम अब मतलब आप क्या करिए, सिंहासन संभालिए। लियर ओवरवेल्म विथ जॉय एंड डाई किल लाइक गोलसेस्टर, लियर जो होता है वो भी जैसे कि गोलसेस्टर बहुत प्रसन्न, गोलसेस्टर जो है प्रसन्न होकर मरा, उसी तरह ओवरवेल्म विथ जॉय मतलब एकदम उसके ऊपर जॉय के साथ क्या होता है, मर जाता है, उसको मतलब एक पागलपन एक उसके ऊपर आ जाता है, उस तरह होकर पागलपन के साथ जैसे कि गोलसेस्टर मरता है, उसी तरह ये भी इसकी भी मृत्यु होती है। अल्बनी देन आस्क केंट एंड इडगर टू टेक चार्ज थ्रोन, अल्बनी कहता केंट और इडगर से पूछता है कि वह इसका मतलब इस राज्य के चार्ज को ले, मतलब राज्य को संभाले। केंट क्या करता है, इसको मना कर देता है, इसको इन केंट जो है राज्य को संभालने से इनकार कर देता है। फाइनली अल्बनी इन क्वार्टो वर्जन, अल्बनी एक क्वार्टो वर्जन है और इडगर इज फेलो वर्जन, इम्प्लाई दैट ही विल नाउ बिकम किंग, अब वह क्या होता है, किंग हो जाता है। लियर रिफर हिज सारो एंड आउट रेज ए हिस्टीरिया एंड डिजीज दैट वाज थॉट ऑफ अफ्लिक्ट ओमेन, लियर कंपेयर हिमसेल्फ टू ओमेन हुज यूट्रीन इज वॉन्डरिंग अराउंड इनसाइड बॉडी। ये लियर का कथन है कि वो अपने आप को कंपेयर करता है लियर कि ओमेन से, लियर कंपेयर हिमसेल्फ टू ओमेन हुज यूट्रीन इज वॉन्डरिंग अराउंड इनसाइड हर बॉडी। अब चलिए इसका इम्पॉर्टेंट कोटेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट कोट्स फ्रॉम किंग लियर। व्हेन वी देखिए, कोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको लाइन टू लाइन लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। व्हेन वी आर वॉर्न वी क्राई दैट वी आर कम टू दैट ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स, व्हेन वी आर वॉर्न जब हम जन्म लेते हैं, वी क्राई जब हम चिल्लाते हैं या हम जब हम लोग कहते हैं, जब हम लोग जन्म लेते हैं, जब हम लोग कुछ कहते हैं कि वी आर कम दिस ग्रेट स्टेज, और हम क्या हैं, वी आर केम दिस, हम इस ग्रेट स्टेज पर आए हैं, तो क्या होता है, ग्रेट स्टेज ऑफ फूल या क्या है, एक मूर्खता का स्टेज है। सेकेंड है, एज फ्लाइज टू वांटन वाय आर वी टू द गॉड दे किल्स अस फॉर देयर स्पोर्ट। फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए हम इसका बस
इसको पढ़ देते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। वी फ्लाई सॉरी एज फ्लाई टू वांटन वाई वाइज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर सपोर्ट स्पीक वाट वी फील नॉट वाट वी आर टू से ओ लेट मी किस दैट हैंड लियर लेट मी वाइप इट फर्स्ट इट स्मेल ऑफ मोरालिटी लव इज नॉट लव वेन इट इज मिंगल विथ रिगार्ड दैट स्टैंड एलूफ फ्रॉम द इंटायर पॉइंट इन जस्ट देयर इज ट्रथ love and be silent in just there is truth. ये छोटे कोटे कोट हैं, इसको याद कर लीजिए फ्रेंड्स। I can't have my heart into my mouth. I love your majesty according to my wind, no more no less. ये कौन कहता है? कॉर्डिलिया कहती है। I'll teach you differences. The prince of darkness is a gentleman. I am a man more signed against the signing. The worst is not so long as we can say this is the worst. Lear. Plague upon you, murder traitor all. I might have saved her, say a little ha. Thanks for watching my video. Thanks. Friends, please like my channel. Please subscribe my channel. Please share my channel. Thanks.